एएलपी के पीछे टीआर पैनल यानी कि रिले पैनल। रिले पैनल के ऊपर हमारी जितनी भी रिलेज लगाई गई हैं वो सारी की सारी मोस्टली रिले रिले पैनल के ऊपर मिलती हैं। तो इसमें ऊपर वाली लाइन में दो लाइन में हमें सेफ्टी रिले मिलती हैं जो टारगेट वाली है, जिन रिलेज के ऑपरेट होने पर उनके ग्लास के अंदर रेड कलर का फ्लैग आ जाता है, उन्हें बोलते हैं टारगेट रिले। और वो सेफ्टी रिले है कौन कौन सी है, QOA, QOP1, QOP2, QRSI1, QRSI2 और QLF। ये जो रिले है ये सेफ्टी रिले पावर सर्किट के अंदर लगाई गई है। QLM बोले तो मेन ट्रांसफार्मर ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले, जैसा डीजल में GFOLR हुआ करती थी वैसे यहां QLM है। QOP1, QOP2 पावर सर्किट की अर्थ फॉल्ट रिले है, जैसा GR होती थी आपके लोगों में। QOA बोले तो ऑक्सिलरी सर्किट की अर्थ फॉल्ट रिले है, GR1, GR2 अलग अलग होती थी पावर सर्किट के लिए, ऑक्सिलरी सर्किट के लिए। तो पावर सर्किट के लिए QOP और ऑक्सिलरी सर्किट के लिए QOA। QRSI है जो वो RSI ब्लॉक की ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले है। यदि RSI ब्लॉक से करंट 3600 एम्पीयर या उससे ज्यादा ड्रा करते हैं हम तो QRSI ऑपरेट हो जाती है, यानी एक ट्रैक्शन मोटर में 1200 एम्पीयर से ज्यादा करंट किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। एक RSI से तीन मोटर जुड़ी है तो अगर एक 1200 गई तो तीनों में 3600, जैसे ही 3600 एम्पीयर करंट होगी तो QRSI ऑपरेट हो जाती है। और डीजे को आपने देखा था इन सारी सेफ्टी रिलेज के जो इंटरलॉक है वो डीजे की ब्रांच पर लगे हुए हैं, एमटी डीजे ब्रांच पर लगे हुए हैं। एमटी डीजे डी न जाए होगा और डीजे को ओपन करवा देगा, ओवर करंट से होने वाले नुकसान से बचा लेता। उसके अलावा बहुत सारे रिले जनरल पर्पस रिले हैं, जैसे हमारे डीजल लोगों में काम करती थी, इनर सप्लाई दी तो इनर साइज, सप्लाई कट ऑफ तो डी इनर साइज। इनर साइज हो गई तो जितने भी नॉर्मली ओपन इंटरलॉक सारे क्लोज हो जाएंगे और नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक सारे ओपन हो जाएंगे, तो वैसी रिले लगी हुई है। कुछ रिले हैं जो हाई टेंशन में लगी हुई है, जैसे QE, QF1, QF2, QD, ये रिले जो है ये हाई टेंशन कंपार्टमेंट के अंदर लगाकर रखी गई हैं। और QTD105, QTD106 ये कैप 2 के पीछे दीवार पर लगी हुई मिलती है। इसके अलावा मोस्टली रिले जो है वो सारी की सारी रिले पैनल पर मिलती है। तो ये हमने देखा कैप 1 में TPN1, TPN2, TPN3, कैप 1 के पीछे तीन कंप्रेशन MCP1, MCP2, MCP3 और MBMP1। कैप 2 के अंदर लोको पायलट के पीछे TB पैनल, NP-ALP के बीच में TK पैनल, ALP के पीछे TR पैनल। पीछे की ओर अगर अंदर आ जाए कॉरिडोर में तो कॉरिडोर में लोको पायलट के पीछे से आते हैं तो आर्नो, MBMP2, बैटरी चार्जर, R118 और C118। तो इस तरीके से लोगों पर ये सामान लगाकर रखे गए हैं। इनके बारे में अगर किसी का कोई सवाल है, कोई डाउट है तो पूछे। लोकेशन क्लियर है, लोगों पर देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ है, जब आप जाकर लोगों पर देखेंगे तो बराबर क्लियर होते। तो अभी कोई डाउट है इसके बारे में, या जिन लोगों ने लोगों पर देखा हो कुछ फर्क नजर आया हो? ऐसा ही है, ठीक। ये देखें, इसमें आप देखें तो ये लगे हुए रूफ बार, ये जो टुकड़े इनको बोलते हैं रूफ बार, और ऊपर जितने भी सामान लगे इन सबको बोलते हैं रूफ इक्विपमेंट्स। तो जहां का भी पेंटो उठाएंगे तो ओची की सप्लाई पेंटो के थ्रू रूफ बार में आती है और डीजे के थ्रू, या डीजे लगा रहता बीच में, डीजे के थ्रू मेन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को चार्ज कर रहा है। अभी ड्राइवर केबिन की बात करी थी हमने, तो ड्राइवर केबिन में ड्राइवर साहब के सामने ड्राइवर डेस्क के ऊपर क्या क्या चीजें दिखती है, तो उनकी अगर हम चर्चा करते हैं तो इस तरीके से दिखता है जहां ड्राइवर साहब खड़े होकर के गाड़ी चलाते हैं। तो यहां से आप देखना शुरू करें तो उनके लेफ्ट साइड में आप देखें ऊपर की ओर डिफरेंट गेजेस लगे हुए हैं, प्रेशर गेजेस, जैसा हमारे डीजल लोगों में लगे रहते हैं, MR का गेज, BP का गेज, BC का गेज, FP का गेज, वैसे ही सारे गेज यहां भी लगे हुए हैं।
उसके बाद उनके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें तो ये A9 और SA9 बार बार उनके हैंडल दिख रहे हैं, यानी कि लोको ऑपरेशन के लिए SA9 और ट्रेन ब्रेक ऑपरेशन के लिए A9। तो उनके बार बार हैंडल जैसा डीजल लोको में थे सेम IR-ABB1 सिस्टम है, कोई फर्क नहीं है। इनके कटआउट कार्ड भी यहाँ नीचे देखते हैं, देखिए आप एक कार्ड दिख रहा है, हैंडल दिख रहा है उसका, तो ये A9 SA9 के कटआउट कार्ड यही नीचे सामने लगे होते हैं। फर्क क्या है, डीजल लोको में A9 SA9 के ऊपर एक एक कार्ड होता था, कंट्रोल स्टैंड में सिंगल सिंगल कार्ड होता था, लेकिन AC लोको में A9 पर भी दो और SA9 एक इनलेट पाइप लाइन के ऊपर और एक आउटलेट पाइप लाइन दोनों के ऊपर है, जबकि डीजल में सिर्फ आउटलेट पाइप लाइन पर है, इनलेट पाइप लाइन पर का नहीं है। तो जैसे वहां हम करते थे कंट्रोल स्टैंड चेंज करते समय वर्किंग के काप बंद, वर्किंग के काप खुले और नॉन वर्किंग के बंद करते थे, वैसे यहां भी वर्किंग कैप के चारों कटआउट काप खुले चाहिए और नॉन वर्किंग कैप के चारों कटआउट काप बंद चाहिए। वहां दो होते थे यहां चार। उसके बाद यहां सामने हम देखें तो ये मास्टर कंट्रोलर है जिसे MP बोलते हैं, जिसके द्वारा नाच लेते हैं। अगर हम MP को लेफ्ट हैंड साइड में घुमाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ट्रैक्शन है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज साइड में लाते हैं, राइट हैंड साइड में मूव करवाते हैं तो ब्रेकिंग पोजीशन। उसके आगे यहां आप देखें तो ये स्वॉट दिख रहा है, ये MPJ का स्वॉट कहलाता है, रिवर्सल लगाने का स्वॉट, जहां MPJ हैंडल या रिवर्सल हैंडल लगाते हैं। ये एक हैंडल लगा हुआ दिख रहा परमानेंट, ये कहलाता है MPS हैंडल, सेंटिंग नॉचेस लेने के लिए, जो हम सेंटिंग नॉचेस देते हैं गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए, उसके लिए MPS लगाकर रखा गया, परमानेंट लगा रहता है, और इसमें 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 पोजीशन रहती है। पर्टिकुलर लोको में कितने सेंटिंग नॉचेस प्रोवाइडेड है उसके अनुसार सेंटिंग नॉच लिए जा सकते हैं। मोस्टली मालगाड़ी के लोको में 3 सेंटिंग नॉच का प्रोविजन रखा जाता है। उसके बाद आगे बढ़े तो ये आप देख रहे हैं सॉकेट, ये कहलाता है ZPT का सॉकेट, जिसपे हम ZPT की चाबी लगाकर पेंटो को उठाने का काम करते हैं। इस ZPT के सॉकेट के अंदर 3 पोजीशन रहती है, 0, 1 और 2। जब भी कभी हमें ZPT की लगानी है तो सिर्फ और सिर्फ 0 पोजीशन पर ही लगेगी और 0 पर ही निकलेगी। उसके अलावा ना तो वो कहीं लगेगी ना निकलेगी। दूसरी पोजीशन है 1 और 2, तो जिस भी कैब में ZPT की चाबी 0 पर लगाकर 1 नंबर पोजीशन पर रखी जाए तो उस कैब से दूसरी कैब के ऊपर वाला पेंटो हमेशा उठता है, यानी रियर पेंटो उठेगा, और अगर 2 नंबर पर रखा जाए किसी भी कैब में तो सेम कैब के ऊपर वाला पेंटो हमेशा रेस होता है, किसी भी कैब से काम कर रहे हो। उसके आगे नॉच रिपीटर है जो कि आपको नाच की पोजीशन बताता है, आपने एमपी से कितने नाच लेकर रखे हैं वो नाच पोजीशन बताता है ये नाच रिपीटर। सामने कुछ मीटर्स लगे हुए हैं, इनमें वोल्ट मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर और ओएची एंड ऑक्सिलरी मीटर, ए अमीटर, यू वोल्ट मीटर, यू वोल्ट मीटर और UA ओएची एंड ऑक्सिलरी वोल्ट मीटर। तो ये दोनों कैब में रहते हैं, UA, ठीक है। तो जो कैब 1 के अंदर एमीटर और वोल्ट मीटर है तो उसमें जो एमीटर है वो 3 नंबर मोटर का करंट बताता है, पहला वाला वोल्ट मीटर 2 नंबर ट्रैक्शन मोटर में जाने वाला करंट बताता है, और दूसरा वाला वोल्ट मीटर 3 नंबर मोटर में जा, एक नंबर एक दो और तीन तीन नहीं तीन सॉरी एक तीन दो एक एमीटर जो है वो 3 नंबर मोटर का करंट बता रहा था, पहला वोल्ट मीटर 2 नंबर मोटर का वोल्टेज बताता है, और दूसरा वोल्ट मीटर जो है वो 1 नंबर मोटर का वोल्टेज बताता है, और जो लास्ट वाला है UA उसमें 2 स्केल है, एक ही नीडल है, एक तरफ आपको ओएची का वोल्टेज दिखाता है, दूसरी ओर ऑक्सिलरी का वोल्टेज दिखाता। उसके बाद उनके आगे ये BL स्विचेस हैं जिनकी बात हुई थी, इन स्विचेस को अनलॉक करने के लिए देखें यहां BL की लगी हुई है, इस BL की को जब आपसे ऑन पोजीशन पर रखते हैं तो ऊपर की लाइन वाले BL स्विच अनलॉक होते हैं और उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। यदि BL की लगाकर ऑन नहीं की गई है तो ऊपर वाली लाइन के BL स्विचेस कभी भी ऑपरेट नहीं होंगे।
नीचे वाली लाइन की हमने आपको बताया था ये सारे के सारे फ्री स्विचेस हैं, लाइटिंग के स्विचेस हैं, इनके लिए बीएलई की जरूरत नहीं होती, बिना बीएलई के ये ऑन और ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद ये पायलट लैंप बॉक्स लगा हुआ है जिसके ऊपर इंडिकेशन लैंप लगा कर रखे हुए हैं, जिनकी चर्चा आगे होगी कि कौन कौन से इंडिकेशन लैंप है और क्या क्या बता। उसके बाद और आगे आ जाए एलपी साइड में, तो राइट साइड वाले फिगर में देखें एलपी और एएलपी दोनों के बीच में जो लुकआउट ग्लास लगे हुए हैं उसके बीच की वाल के ऊपर स्पीडोमीटर लगा कर रखा गया है, वही एमआरटी 9 एमआरटी 8 वाले स्पीडोमीटर लगे हुए हैं। यहां देखें यदि लोगों माइक्रो प्रोसेसर है तो उसका डिस्प्ले दोनों के बीच में लगा कर रखा हुआ है कॉमन। उसके बाद ये जो यूनिट लगी है फ्लैशर की कंट्रोल यूनिट है और वीसीडी की कैब यूनिट जिसके ऊपर वीसीडी का इंडिकेशन लैंप, वीसीडी हेल्दी है या फाल्टी है उनके दो लैंप, वीसीडी का इंडिकेशन लैंप जो कि वीसीडी सर्विस में आने पर आपको फ्लिकर होकर के इंडिकेशन देता है उसका लैंप है, और एक वीसीडी यदि आपने बाईपास करके रखी है तो उसका इंडिकेशन लैंप भी लगा हुआ है। यहां देखें ये आरएस या इमरजेंसी फ्लैप वाल्व है और ये हीटर लगा कर रखे हुए कैब में, दोनों ओर लगे हुए हैं एएलपी और एलपी साइड में दोनों ओर हीटर लगा कर रखे हुए हैं, ठंड के सीजन में अगर हीटर ऑन करते हैं तो कैब गर्म बनी रहे। और ऊपर बजर लगे हुए हैं, ये स्वान का बजर है और इसी के बाजू में एक ऑटो फ्लैशर का बजर भी लगा रहता है और ये फैन लगा हुआ है, ये भी दोनों ओर रहता है ड्राइवर साइड में भी और एएलपी साइड में। तो ये सारी चीजें हमें कैब के अंदर देखने को मिलेंगी। इधर का जो सामान देखा ये लोको पायलट साइड का था और ये यहाँ पर एएलपी का एएलपी साइड का है। इसमें कोई डाउट है भाई? कैब में जाने पर ऐसे ही दिखता, कुछ अलग दिखता है? गेजेस के अंदर एक फर्क आता है, एमआर गेज एफपी गेज बीपी गेज तो वैसे ही है जैसे डीजल में रहते हैं, लेकिन यहाँ जो बीसी का गेज है वो ड्यूल गेज है, दो सुई वाला। हमारे डीजल लोको में हमने देखा था बीसी केस में एक ही सुई होती थी, एक ही नीडल होती थी, वो बोगी नंबर 1 के ब्रेक सिलेंडर के साथ जुड़ी रहती थी। लेकिन एसी लोको में जो बीसी की नीडल लगा कर रखी गई, बीसी का जो गेज लगा कर रखा गया है, इसमें दो नीडल है, एक बोगी 1 के ब्रेक सिलेंडर के साथ और दूसरी बोगी 2 के ब्रेक सिलेंडर के साथ। अगर डीजल लोको में हम बोगी नंबर 1 आइसोलेट कर देते थे बोगी कटआउट का बंद करके, तो हमें बीसी का गेज कोई प्रेशर नहीं बताता था, भले दो नंबर बोगी के ब्रेक सिलेंडर बराबर ऑपरेट हो रहे हो और लोको ब्रेक लग रहे हैं। लेकिन एसी लोको में अगर आप एक बोगी आइसोलेट भी कर देते हैं तो जिस भी बोगी में ब्रेक लग रहे हैं उस बोगी के बीसी गेज की रीडिंग आपको बराबर प्रेशर